देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। गुरुवार 16 मार्च को इंदौर के आई बस ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी। इंदौर के देवास नाका चौराहा पर ड्राइवरों ने हड़ताल के दौरान आई बस डिपो एचआर मैनेजर मदन पाटीदार पर ड्राइवरों के साथ अभद्रता एवं शोषण का आरोप लगाया। आई बस के ड्राइवरों ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मदन पाटीदार द्वारा हट धर्मिता दिखाते हुए आई बस में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी को लेकर हमेशा ड्राइवरों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। ड्राइवरों से एक्सीडेंट व डैमेज पहले से दोगुना काटा जा रहा है। गलती नहीं होने पर भी ड्राइवरों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। पाटीदार द्वारा दादागिरी दिखाते हुए उन्हें 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और बाद में मिलने तक का समय नहीं दिया जाता। कंपनी द्वारा हर महीने मासिक बैठक आयोजित की जाती है, किंतु उसमें ड्राइवरों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। बैठक में बोलने वाले ड्राइवर और पाटीदार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। ड्राइवरों को ड्यूटी देने में भी पाटीदार द्वारा दादागिरी की जाती है। ड्यूटी बचाने के लिए ड्राइवरों को इनकी बात से सहमत होना पड़ता है। ड्राइवरों ने बताया कि उन्हें समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता। इन सभी बातों से परेशान ड्राइवरों ने 16 मार्च की पूर्व कंपनी प्रबंधन से आई बस डिपो मैनेजर मदन पाटीदार के तबादले के लिए निवेदन किया था, अन्यथा हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। यही कारण है कि आज सभी ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। फिलहाल कंपनी द्वारा कथित रूप से अवैतनिक यह नौकरी छोड़कर जा चुके ड्राइवरों को बुलाकर आई बस चलाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, पिछले कई महीनों से या कई सालों से भी अगर कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवरों का शोषण और ड्राइवरों को प्रताड़ित करने का कार्य आई बस में किया जा रहा है। मन मर्जी से ऑपरेशन चलाना, जब चाहे ड्राइवर को नौकरी से उतारना, उसको भगाना, ड्राइवरों के साथ में गाली गलौज करना, उस पर अत्याचार करना और उसको तुरंत नौकरी से बिना किसी नोटिस दिए या बिना किसी उसके उसको नौकरी से बाहर कर देना। सर, ये हमारे आदरणीय जो हमारे डिपो के मेन मुखिया जो है मदन पाटीदार जी, उनके द्वारा ड्राइवरों का ये शोषण हो रहा है। पिछले 2 महीने से हम उनसे इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उनसे हम इस विषय पर सॉल्यूशन चाह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सर ये जो अत्याचार हो रहे हैं कम से कम हमारे खिलाफ ये अत्याचार रुका जाए। बावजूद उसके किसी के कान पे जू रेंगने के लिए राजी नहीं है। ठीक है, ड्राइवर को बिल्कुल हलकट समझा जाता है, ड्राइवर को किसी कैटेगरी में नहीं लिया जाता है। ड्राइवर को जब चाहे बुला लेते, जब चाहे भगा देते हैं नौकरी से। सब इनका सब राज्य चल रहा है सर, सब राज्य चल रहा है इनका। ड्राइवरों को इन्होंने बिल्कुल ये कर रखा है कि आपकी मतलब ना हम कोई सुनेंगे और ना कोई ये करेंगे। अगर कोई मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर हमको धमकाया जाता है, मीटिंग के अंदर हमको बोला जाता है कि अगर हमारे खिलाफ़ अगर कोई बाहर से आए MD के कोई करता है तो हम उसको 8 दिन के अंदर अंदर BRTS के अंदर ऐसा कोई बहाना ढूंढेंगे कि आपको स्वयं आके रिज़ाइन लेटर देना पड़े। बावजूद अगर कोई ड्राइवर आवाज़ उठाता है तो उसको इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि उसको आप स्वयं अपनी मर्जी से वो राजीनामा देकर ये नौकरी छोड़ कर चले जाता है। सर, दिक्कत होती है सर, सैलरी 15-15, 20-20 तारीख को सैलरी आती है सर, पूरे 1.5 महीने में डेढ़ महीने में सैलरी आती है सर। अगर अपन किसी चीज़ का अगर मुद्दा रखते हैं तो उसका इशू नहीं रखा जाता है। मतलब किसी भी प्रकार से हमारी ड्राइवरों की यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है सर। महोदय, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमने आज से 2 दिन पहले इनको ज्ञापन दे दिया था कि अगर 16 तारीख को हमारे सभी ड्राइवरों की सहमति से एक विषय बनाया गया था कि हमारे डिपो के मेरे अधिकारी मदन जी पाटीदार जो हमारे इंचार्ज है, इनको 4 दिन के अंदर अंदर अगर आप इनका ट्रांसफ़र अगर आप दूसरी जगह करते हो तो ठीक है, अन्यथा अगर आप नहीं करते हो तो दिनांक 16/3/2023 को आई बस की स्ट्राइक कर दी जाएगी। इसकी एक फ़ोटोकॉपी AICTCL हमारा हेड ऑफिस स्वेस हॉस्पिटल वहां पर दिया, एक थाने भी दिया हमने,
ठीक है, हमें वहाँ से आश्वासन मिला है कि 3 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी, परंतु सभी ड्राइवरों का निर्णय है कि भाई तत्कालीन इनके ऊपर एक्शन किया जाए। जिस प्रकार ड्राइवर को गाली गलौज करके तत्काल डिपो के बाहर कर दिया जाता है, धमकी दी जाती है कि आपसे जो बने वो कर लीजिए, इस प्रकार की धमकी दी जाती है, तो क्या हम 50 जनों के लिए एक प्रकार का एक्शन नहीं हो सकता है? यह सभी ड्राइवरों की एक ही मांग है कि माननीय हमारे HR मदन पाटीदार जी का दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाए।